तो फ्रेंड्स, घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर आपने कैसे यूज़ करना है उसका तरीका। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये टाइप बी सिलेंडर है, ये रेगुलेटर है, ये इसका सारा फंक्शंस जो होता है खुलना और बंद करने का, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। जैसे आप टैप खोलते हैं ऐसे इसका सब कुछ खुलने का होगा, चाहे वो यहाँ से नट का हो, चाहे यहाँ से नट का हो, चाहे यहाँ से खुलने का हो, सब टैप की तरह खुलेगा। और टैप जैसे टैप बंद होती है वैसे बंद होगा एंटी क्लॉकवाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका एक नट हम लेंगे और इस नोजल के अंदर हम इसको इंसर्ट करके, जैसा आप देख सकते हैं, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज जितना हैंड टाइट हो सकता है उस तरह से हम इसको हैंड टाइट कर देंगे। उसके बाद हम ये जितना हैंड टाइट हो गया उसके बाद हम सिलेंडर की को उसको यूज़ करेंगे। यहाँ थोड़ा सा ग्रिप बना के हल्की सी और इसको हम हैंड टाइट करेंगे। उसके बाद ये लीक ना करे इसके लिए हमको इसको हाथ से थोड़ा सा पुश करना है। पुश करते समय ये ध्यान रखना है कि हमारा हाथ इस चाबी के किसी कॉर्नर पे ना लगे जिससे हमारा हाथ कट ना जाए, इस तरह से। उसके बाद आगे का प्रोसेस ये है, अब ये फुली टाइट हो चुका है। उसके बाद का प्रोसेस ये है कि हमको अब ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे चालू कर, ऑक्सीजन गैस कैसे चालू करना है वो हम देखते हैं। इसके लिए दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। जब भी हम यहाँ से ऑक्सीजन खोलें हमको ये पता होना चाहिए कि ये आगे से बंद हो। अगर ये खुला हुआ होगा तो इसकी ट्यूब में ऑक्सीजन इसके फ्लो से ज़्यादा आएगी और ये ट्यूब फटने के चांसेस हो जाते हैं। तो हमको ये देखना है कि पहले आगे से ये बंद हो। ये ब्रास का बना हुआ है तो सॉफ्ट मेटल होता है, तो हमको ये देखना है कि बहुत ज़्यादा टाइट बंद ना करें, हल्का सा देख लें कि ये बंद है, दैट्स ऑल। बहुत ज़्यादा इसको ट्विस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ये सॉफ्ट मेटल है, आगे से डैमेज हो जाता है। देख लिया कि ये बंद है, उसके बाद हम एक थंब रखेंगे इसके ऊपर जिससे कि जब हम इसको हिट करें तो ये चाबी निकल के कहीं आगे किसी को लग ना जाए या यहाँ से निकल ना जाए। तो हम लोगों ने इस पर हैंड टाइट रखा, इसको हल्का सा पीछे से दिखा दो एक बार, सिलेंडर को हल्का टेढ़ा करेंगे जिससे मारने में हम इसको हिट करने में थोड़ा सा ईजी रहे। तो हमने इस पर यहाँ पर हाथ रखा, इसको थोड़ा सा टिल्ट किया, यहाँ पर एक थंब रखा इस पोजीशन के अंदर। उसके बाद हम इसको हिट करेंगे। हिट करते समय कोई ध्यान रखना है, हमको अपने पाम से हिट करना है लेकिन ये हमारे हाथ को चोट ना पहुँचा दे, इस तरह से थोड़ा सा देख के। यहाँ से हम लोगों ने इसको बंद कर दिया है, अब हम इसको इस तरह से खोल देंगे। अब आप देख सकते हैं गैस इसके अंदर फ्लो शो कर रहा है। हम इसको की से 2 से 3 थ्रेड हम लोग खोल देंगे सो दैट गैस का फ्लो प्रॉपर आता रहे। उसके बाद हमने इसमें एक चीज़ और भी है कि इसमें हम लोगों ने पानी डालना है, तो हम पानी पहले भी डाल सकते हैं। इसको यहाँ से पकड़ के और इसको खोल के, और इसमें देखिए मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल है, तो इसको हमको पानी को मिनिमम मैक्सिमम लेवल के बीच में रखना है। नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर जो हम घर पर यूज़ करते हैं RO वाटर, उसको हम लोग डालना है। पानी डालने के बाद हमको इसको यहाँ से टाइट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं कि हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है, नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर, ये मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल के ऑलमोस्ट बीच में है, ठीक है। हमने इसको ऊपर से ओपन कर चुके हैं ऑलरेडी पहले ही। अब हमने ये देखना है कि आपको कितना फ्लो इसमें देना है, तो हम इसको धीरे धीरे एंटी क्लॉकवाइज टिल्ट करेंगे। 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, जितना भी हमको इसको सेट करना है ये हम इसको सेट कर सकते हैं। जब हमको गैस बंद करना हो तो इसको हम यहाँ से बंद कर सकते हैं। जब हम आगे से गैस बंद कर देंगे और हमको पता है कि अभी ज़्यादा दिन यूज़ नहीं करना, 1-2 दिन अभी यूज़ या अगले दिन तक हमको यूज़ नहीं कर रहा, तो गैस लीक ना हो इसके लिए हम लोग ऊपर से इसको बंद कर देंगे। पहले जितना आराम से हो जाएगा वो करने के बाद फिर इसके ऊपर उसी तरह से रख के जिस तरह से हमने खोला था, थोड़ा सा सिलेंडर को टिल्ट करते हुए इसको यहाँ से हिट करेंगे। अब ये बंद हो चुका है। अब इसके अंदर जैसे आपने ऊपर से बंद कर दिया है, अब आप इसकी गैस को निकाल देंगे और ये अब 0 पे आ गया है। अब ये यहाँ से आप इसमें शोर नहीं कर रहा है कोई भी गैस, क्योंकि ये यहाँ से बंद है, बंद कर रहा है। या तो ये सिलेंडर लेंथ में ज़्यादा हो, ये सिलेंडर लेंथ में ज़्यादा होता है और विड्थ कम है, तो इसके गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए हम 2 तरीके कर सकते हैं, या तो हम किसी चेयर के साथ
बैक कॉर्नर पे किसी विंडो के साथ इसको हम बांध के रखें, या हम इसके लिए ट्रॉली का यूज करें सो दैट ये गिर ना जाए। गिरने से पैर में चोट लग सकती है, वाशरूम खराब हो सकता है और रेगुलेटर भी डैमेज हो सकता है। इसलिए चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि इसको किसी चीज़ से बांधे या इसको ट्रॉली में यूज करें। अभी हमने आपको बताया इसको सेट कैसे करना है। अगर ये सिलेंडर खाली रहता है और हम इसको दूसरे सिलेंडर में रिप्लेस करना है तो इसको खोलने का टेक्निक क्या है कि पहले हम लोगों को देखना है, वापस से चेक कर लें कि ये ऊपर से 100% बंद होना चाहिए। आगे से भी इसको खोल के देख लिया कि अब इसमें गैस नहीं आ रहा है, बंद हो गया है। फिर हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, जैसे टैप खोलते हैं उस तरह से घुमाएंगे, टैप यूँ खुलता है उसी तरीके से इसको खोलेंगे। इसमें ऐसे की लगा दिया हमने, यहाँ से हमने इसको होल्ड कर लिया है और इसको हम हिट करेंगे। ये थोड़ा सा हिट करने के बाद ये लूज़ हो जाएगा, उसके बाद हम इसको आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या होता है, कई बार ट्रांसपोर्ट में ये एक नट है, ये कई बार लूज़ हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप ऊपर से खोलेंगे तो यहाँ से गैस निकलती है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, अगर ऊपर से गैस निकल रही है, ये गैस तभी निकलेगी जब हम ऊपर से खोलेंगे, तो उसके लिए हमको कुछ नहीं करना, ये नट में की को ऐसे लगाना, ये नट है, इसमें हमने की को लगाया और उसको वही एंटी क्लॉकवाइज हम इसको हिट करेंगे, बंद कर देंगे, तो ये ऊपर से गैस का फ्लो आना रुक जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने पहले भी बताया आपको, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी इसको अटैच करने के बाद आपको इसको गैस को यहाँ से खोलेंगे, उससे पहले इसके आगे की नॉब जरूर चेक करें कि ये बंद हो। अगर ये यहाँ से खुला हुआ रहेगा और आपने इसको ऊपर से की से खोल दिया तो ये ट्यूब जो है वो फटने के पूरे पूरे चांसेस हो जाते हैं। तो हमको जब भी सिलेंडर में अटैच करने के बाद रेगुलेटर इसको खोलना है, उससे पहले हमको ये चेक करना है कि रेगुलेटर बंद हो। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका विशेष ध्यान कि आगे से ये बंद हो, तभी हमको आगे का प्रोसेस इसको खोलने का करना।